वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। एम्पिटेड सिटीज़ की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए CDP पढ़ना हमने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट वीडियो में हमने डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा देखा था। ये डेवलपमेंट का सेकंड टॉप वीडियो है, तो इसमें हम देखेंगे रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो डेवलपमेंट है, एफर्ट्स और प्रैक्टिस से जो डेवलपमेंट हमारे अंदर होता है उसी को हम लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग क्या है, अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग क्या है, तो डेवलपमेंट है जो कि हमारे एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस की वजह से हो पाया है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, ये एक इंटरैक्शन है किसका, मैचुरेशन का एंड लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। मतलब आपके डेवलपमेंट के लिए मैचुरेशन और बीच में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। अब जो डेवलपमेंट है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डेवलपमेंट जो है वो ऑल एस्पेक्ट्स में होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैचुरेशन और जो लर्निंग है वो साथ में काम करते हैं। किस लिए, टू प्रमोट द डेवलपमेंट, टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए मैचुरेशन और लर्निंग दोनों साथ साथ काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर। अब बात आती है स्टेजेस की, डेवलपमेंट के स्टेजेस की। तो सबसे पहले होता है प्रीनेटल पीरियड, जो लगभग 240 डेज का होता है और उसे कह सकते हैं 9 मंथ्स। सेकेंड होता है आपका इन्फेंसी, ये होता है सेंस बेस्ड, इस टाइम पे बच्चे अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं, ये बर्थ से 2 इयर्स का होता है। थर्ड है आपका अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम टॉय एज भी कहते हैं, इस टाइम पे बच्चे टॉय से खेलना स्टार्ट कर देते हैं, ये होता है 2 to 6 इयर्स के लिए। फिर आता है लेटर चाइल्डहुड, जिसे हम ट्रबल्सम एज भी कहते हैं, और ये होता है 6 to 12 इयर्स के। फिफ्थ है हमारा एडोलेसेंस, जिसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस का टाइम भी कहते हैं, और ये 13 to 19 इयर्स, मतलब ये टीन एज हो कहते हैं इसे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर तो है आपका न्यूट्रिशन, दूसरा है अर्ली स्टिमुलेशन, और तीसरा है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। न्यूट्रिशन मतलब एट द टाइम जब आपको ज़रूरत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन की, तब आप कंप्लीट न्यूट्रिशन लिया कि नहीं। अगर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो फिज़िकल ग्रोथ नहीं होगी, फिज़िकल ग्रोथ नहीं होगी तो फर्दर डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं अफेक्टेड होगा। अर्ली स्टिमुलेशन, अगर 9 मंथ्स के पहले ही बच्चे का बर्थ हो जाता है तो उस टाइम पे भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, साथ ही साथ में जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो भी अफेक्टेड होता है। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस में हम देख सकते हैं कि अलग अलग पेरेंट्स अलग अलग तरीके से बच्चों को रखते हैं, उनका प्रैक्टिस अलग अलग होती है, तो उस बात पर भी डिपेंड करता है कि बच्चों को किस प्रकार से रखा जा रहा है, या छोटी जब एज है तब उनके साथ किस प्रकार सर ने बिहेवियर है पेरेंट्स का,
या उनके दूसरे फैमिली मेम्बर्स का, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और इसी की वजह से बच्चों में डेवलपमेंट अच्छा या बुरा, मतलब सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ये चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस पे भी बेस्ड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर इंटरनल फैक्टर देखें, इंटरनल फैक्टर अगर हम देखें तो वो हो सकते हैं हेरिडिट्री। हेरिडिट्री फैक्टर्स जो पेरेंट्स से मिलते हैं। सेकेंड होता है बायोलॉजिकल। इन फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ये जैसे बच्चे को पेरेंट्स से मिले हैं वैसे कि वैसे ही उसी की वजह से वो उसका डेवलपमेंट होगा। तीसरा होता है इंटेलिजेंस, ये भी आईक्यू जो है वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। देन आता है हमारा इमोशनल फैक्टर। इमोशनली हम अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से बच्चा किस तरह से क्या बोल सकते हैं, किस तरह से उसके साथ इमोशनली बिहेवियर हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है उसका डेवलपमेंट। लास्ट है सोशल नेचर, सोशली इंटरेक्ट कर पा रहा है या नहीं, इससे भी डेवलपमेंट प्रभावित होता है। ये थे इंटरनल। अब हम देखते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर। तो जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है मदर की एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, इससे भी ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा। सिंगल चाइल्ड है या मल्टीपल चिल्ड्रन हैं वो में, इस पर भी ये भी डिपेंड करता है, इससे भी डेवलपमेंट में चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव बाय द एम्ब्रियो विद इन द वूम ऑफ द मदर, किस प्रकार का न्यूट्रिशन, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी भी डिपेंड करती है। एंड इफ एम्ब्रियो हैज़ सब्जेक्टेड टू हार्मफुल रेडिएशन और रेज, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द डेवलपमेंट। रेडिएशन और रेस से अगर सब्जेक्टेड है तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी, एंड एनी डैमेज और एक्सीडेंट टू द बेबी एट द टाइम ऑफ वोम्ब। अब हम बात करते हैं, ये तो था बर्थ के पहले का, अब आफ्टर द बर्थ कैसा इन्वायरमेंट है या क्या चेंज हो सकते हैं। तो एक्सीडेंट या इंसिडेंट लाइफ में कुछ हुए हों उस पर डिपेंड करता है। फिज़िकल इन्वायरमेंट बच्चे को कैसा मिल रहा है, उसकी मेडिकल केयर कैसी की जा रही है और उसको दिया नरिशमेंट मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, इससे भी उसका डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, वो कैसे इन्वायरमेंट में है, उसके आसपास के लोग, उसकी फैमिली, कल्चर, इन सभी बातों पर डिपेंड कर, ये सभी बातें डिपेंड करती हैं, इसी से अफेक्ट होता है डेवलपमेंट। अगर आपका सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल इन्वायरमेंट अच्छा है तो बच्चे में अच्छा डेवलपमेंट होगा, जल्दी डेवलपमेंट होगा। सो हमने डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें देखी, आई होप आपको समझ में आई हूँ। और इसका PDF में शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी या कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। और साथ ही इस पे पहले भी वीडियो बनाया था मैंने जिसमें सिर्फ आपको नोट्स दिए थे, वो भी आपको YouTube पे मिल जाएगा। दोनों की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में शेयर करूँगी। सो आई होप आपको समझ में आया हो, और जो नहीं समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।